वेलकम स्टूडेंट टू आर डिजिटल लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस लेसन 3 ऑफ क्लास 7। द व्हीट इज चीपर फर्स्ट, गेहूं सस्ते फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट इन लेसन 4। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। वन इवनिंग रवि एंड अशोक वेंट टू सी डेविड स्मिथ। एक शाम को रवि और अशोक जो है वो डेविड स्मिथ को मिलने जाते हैं। डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज एन इंग्लिश मैन। जो डेविड्स के जो फादर हैं मिस्टर स्मिथ, वो एक इंग्लिश मैन है। ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड ही इज नाउ वर्किंग इन इंडिया। उन्होंने काफ़ी देशों की या कई सारी जो है ट्रेवल्ड किया है, कई जगह वो गए हैं घूमे हैं। एंड ही इज नाउ वर्किंग इन इंडिया, लेकिन अब वह कहाँ वर्क कर रहे हैं, इंडिया में। अशोक एंड रवि मेट डेविड ओनली अ फ्यू डेज अगो। अशोक और रवि जो है डेविड से कुछ ही दिन पहले मिलते हैं। बट द थ्री बॉयज नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे, लेकिन वो तीनों बॉयज लगभग रोज मिलते हैं। दैट इवनिंग द बॉयज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज। उस शाम को उन लड़कों ने जो है काय पे बात करना शुरू कर दी, टॉक में बात करना शुरू कर देना स्टोरीज की। अशोक बोला, रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स। रवि ने जो काफ़ी सारी क्या पढ़ी है, स्टोरी बुक्स पढ़ी है। परहैप्स ही वॉन्ट्स टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर। हियर द मीनिंग ऑफ परहैप्स मीन्स संभवतः। जब हम पॉसिबिलिटी बताते हैं तब वहाँ परहैप्स का यूज़ करते, तब वो बोलता है कि शायद वो क्या बनना चाहता है, एक स्टोरी टेलर। रवि एवरीबडी लाइक्स स्टोरी। रवि बोलता है कि सभी क्या पसंद करते हैं, स्टोरीज। आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज, मुझे अच्छी स्टोरीज पढ़ना पसंद है। डोंट यू डेविड, क्या तुम्हें नहीं डेविड। डेविड यस ऑफ कोर्स, हाँ मुझे भी। व्हाई डोंट यू टेल मी वन। तब अशोक डेविड को रवि को बोलता है कि क्या तुम हमें एक बताओगे। रवि आई वॉन्टेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी, प्लीज टेल अस वन। रवि बोलता है कि आई वॉन्टेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें कोई अच्छी स्टोरी बताओ, प्लीज़ टेल अस वन, कोई हमें सुनाओ। डेविड आई विल सम अदर डे। तब डेविड बोलता है कि किसी और दिन सुनाऊँगा, बट टूडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी। लेकिन डेविड जो रवि को बोलता है कि आज तुम्हें मुझे कोई अच्छी सी इंडियन स्टोरी सुनानी है। रवि ऑल राइट, ठीक है, आई विल, मैं सुनाऊँगा। आई स्पेंड माई लास्ट समर वेकेशन विथ माई ग्रैंड फादर इन हिज विलेज। मैंने जो अपने जो आखिरी समर वेकेशंस है, वेकेशंस मीन्स होती है गर्मी की छुट्टियाँ, समर वेकेशन मीन्स विथ माई ग्रैंड फादर इन हिज विलेज। रवि बोलता है कि मैंने जो समर वेकेशन है वो मैंने ग्रैंड फादर के साथ गाँव में बिताए हैं। ही यूज टू टेल मी एट लीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट, और वो कम से कम मुझे एक स्टोरी रोज रात को सुनाते थे। I'll tell you one of those stories today. तो उन स्टोरीज में से मैं आज तुम्हें एक सुनाता हूँ। अशोक what is the story called? उस स्टोरी को क्या कहा गया। रवि the wheat is cheaper, गेहूँ सस्ते हैं। डेविड cheaper than what? Cheaper means क्या। रवि that you must tell me after listening to the story, यह तो तुम मुझे बताओगे इस स्टोरी को सुनने के बाद। This is how it goes, कि यह कैसे होता है। लॉन्ग अगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट। बहुत दिन पहले इंडियन टाउन में एक मर्चेंट रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वह बहुत ही क्या था, लालची था। ही यूज टू गो टू टाउन्स टू बाय और सेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स। वह जो है ही यूज टू गो टू टाउन्स, वह टाउन जाता था, शहर जाता था टू बाय और सेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स। बाय मीन्स होता है खरीदना एंड सेल मीन्स होता है बेचना। लार्ज क्वांटिटीज में वो अनाज जो है खरीदता था और बेचता था। एंड इवन ऑन हिज वे टू दिस टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी, और रास्ते में चलते हुए भी वो सोचता था कि कैसे पैसा कमाया जाए। वन डे When he was going to a town to buy some grains, एक दिन जब वह टाउन में जा रहा था कुछ अनाज खरीदने के लिए, grains means होते हैं अनाज, he saw a farmer some, तो वह एक कुछ फार्मर को देखता है।
सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूरी पे उसे एक फार्मर मिलता है। क्वेश्चन पूछा था उसने, चीपर देन व्हाट, किस चीज़ से सस्ता। सो लेट्स बिगिन कि वो क्या बोलना चाहता है एग्जैक्टली उस सेंटेंस के थ्रू। हियर ही थॉट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम मनी आउट ऑफ दिस सिंपल विलेजर। वो यह सोचता है, जो मर्चेंट होता है वो यहाँ सोचता है कि एक अपॉर्चुनिटी, उसे अवसर मिलता है कि कैसे इस सिंपल विलेजर से पैसे निकलवाए जाए। सो ही वॉक्ड क्विकली अप टू हिम एंड स्टार्टेड बिगिन फ्रेंडली विथ हिम, बींग फ्रेंडली विथ हिम। तो वो वॉक करता है, जल्दी जल्दी जाता है और शुरू कर देता है उससे एकदम फ्रेंडली टॉक करना। ही सेड टू द फार्मर, वह फार्मर से बोलता है, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई यूज्ड टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस अलोन, तो मैं काफ़ी डिस्टेंस तक, काफ़ी दूरी तक अकेला ही जाता था। बट एज आई एम गेटिंग ओल्ड, लेकिन अब मैं क्या हो रहा हूँ, ओल्ड हो रहा हूँ, आई वुड लाइक अ कंपेनियन विथ मी ऑलवेज, तो मैं अपने साथ एक कंपेनियन साथी रखना पसंद करता हूँ हमेशा। एज वी आर गोइंग द सेम वे, जैसा कि हम एक ही रास्ते में जा रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर अस टू बी टुगेदर, तो ये हमारे लिए सही है कि हम क्या करें, एक साथ रहें। वी शैल एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी, ताकि हम दोनों एक दूसरे के एन्जॉय कंपनी क्या करेंगे, एन्जॉय करेंगे। द फार्मर सेड थैंक यू, फार्मर बोलता है धन्यवाद। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा पहले। आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर, मुझे लगता है कि आप क्या है, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स अपरिचित, जिसे हम जानते नहीं हैं। नो द मर्चेंट सेट, वह व्यापारी क्या बोलता है कि नहीं, आई एम अ मर्चेंट, मैं क्या हूँ, एक व्यापारी हूँ। एंड आई हैव बीन हियर बिफोर बट आई ट्रेवल टू मैनी प्लेस, मैनी प्लेसेस। वह बोलता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी सारी प्लेसेस पर ट्रेवल करता रहता हूँ। बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, द फार्मर आस्ड। तो फार्मर पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कंपेनियन साथी कैसे बन सकता हूँ। आई एम ओनली अ सिंपल विलेजर एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं तो एक साधारण सा विलेजर हूँ और तुमने तो पूरी दुनिया देखी है। बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ़ यू डू ऑल दैट टॉकिंग, पर संभव तो सही रहेगा यदि हम तुम ही सब टॉकिंग करते रहो। आई शैल लिसन टू व्हाट यू से, आई शैल लिसन टू व्हाट यू से, मैं सुनूंगा जो भी तुम कहोगे। फार्मर बोलता है कि संभव तो तुम टॉकिंग करते रहोगे और मैं सुन लूँगा तुम्हें। दिस इज़ नॉट फेयर, आई कैन डू ऑल द टॉकिंग, आई हैव एन आइडिया। वो बोलता है ये सही नहीं है, आई कैन डू ऑल द टॉकिंग, मैं ही हर रास्ते बात नहीं कर सकता हूँ। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल, वो बोलता है कि हम दोनों में से एक वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल, टेल मीन्स होता है एक कहानी, जो मनगढ़ंत, और वाइल्डेस्ट का मीनिंग होता है जो हम खुद से बनाते हैं, उसे बोलते हैं वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल। तो बोलते हैं कि हम दोनों जो हैं एक दूसरे से एक बहुत ही पॉसिबल टेल पूछेंगे, कहानी। इफ़ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टडी, यदि मैं तुम्हारी स्टोरी पर डाउट करता हूँ, आई विल पे यू 100 रुपीज़, तो मैं तुम्हें कितने रुपीज़ पे करूँगा, 100 रुपीज़, वो मर्चेंट बोलता है। बट इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइंड, लेकिन यदि तुम मेरी स्टोरी पर डाउट करते हो, यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी, तो तुम्हें भी मुझे इक्वल मनी देनी होगी। हाउ डू यू लाइक द आइडिया, तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। फाइन सेट द फार्मर, फार्मर बोलता है ठीक है। एंड सो इज इट अ बार्गेन, एंड सो इज इट अ बार्गेन, तो क्या यह एक सौदा है, बार्गेन मीन्स होता है सौदा। द मर्चेंट सेट, वह व्यापारी बोलता है, यस इट इज सेट द फार्मर, हाँ यह एक सौदा ही है। नाउ लेट्स बिगिन, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एज यू आर द वाइजर ऑफ अस टू, यू मस्ट बिगिन, द मर्चेंट बिगन हिज स्टोरी। फार्मर बोलता है कि हम दोनों में से तुम जो हो बहुत ही बुद्धिमान हो, तो तुम अपनी स्टोरी स्टार्ट करो। द मर्चेंट बिगेन हिज स्टोरी, मर्चेंट अपनी स्टोरी को शुरू करता है। एज आई वॉज गोइंग अलोंग दिस रोड वन डे, स्टोरी बोलता है वो कि एक बार मैं इस रोड से जा रहा था, आई सा
अ मर्चेंट विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स। तो मैंने एक मर्चेंट को देखा जिसके साथ काफ़ी सारे कैमल्स, ट्रेन का मीनिंग होता कि कैमल्स जो है श्रृंखला में चल रहे थे, काफ़ी सारे कैमल्स थे। देर वर 101 कैमल्स एंड ईच ऑफ देम वॉज लोडेड विथ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स। वहाँ 100 कैमल्स थे और सब ने काफ़ी सारी क्वान्टिटीज में क्या कर रखे थे, ग्रेन्स जो है वो उठा रखे थे, अनाज उठा रखे थे। फार्मर सेड, आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल माई सेल्फ एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड विथ वेरी हैवी गुड्स। तो फार्मर बोलता है कि मैंने भी खुद से कैमल्स की बहुत बड़ी चेन देखी है, काफ़ी सारे कैमल्स देखे हैं और अक्सर जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में क्या उठाते हैं, गुड्स उठाते हैं। गुड्स का मीनिंग होता है सामान, जो भारी सामान होते हैं वो। मर्चेंट एडेड, मर्चेंट अपनी स्टोरी में और बात को ऐड करता है। ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर विथ रोप। उसने कहा कि सारे जो कैमल्स हैं उन्हें कैसे बांध रखा था, एक रस्सी से, नोज टू टेल, उनके नोज से लेकर टेल तक उन्हें बांधा हुआ था। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेन अबाउट हाफ अ माइल। ये इतनी लंबी ट्रेन थी कि लगभग आधे मील तक थी। गुड, इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट। यह तो देखने में बहुत ही अच्छा दृश्य हुआ होगा। एंड देन आज द फार्मर, और फिर फार्मर बोलता है, मर्चेंट कंटिन्यूड, ये सारा जो है फार्मर बोलता है। देन मर्चेंट कंटिन्यूड, मर्चेंट फिर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन टू द फर्स्ट कैमल एंड कैरी। तब एक काइट जो है फ्लू करते हुए फर्स्ट कैमल पर आती है एंड कैरीड कैरीड हिम ऑफ, और उसे ऊपर उठा लेती। में से जो काइट आती है वो इतनी आती है और उन सब कैमल को ऊपर तक की तरह उठा लेती। बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, जैसा कि उसने बताया था कि सारे जो कैमल्स हैं उन्हें रस्सी से बांध रखा था, ऑल द अदर कैमल्स वर कैरीड अप विथ इट। तो जैसे एक काइट उस फर्स्ट कैमल को उठाती है, उसी तरह सारे कैमल्स जो है वो भी क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। What do you say to that? आप क्या कहोगे इस बारे में? Farmer said, it must have been a very strong kite. यह तो काफ़ी ही strong kite रही होगी। Do you doubt it? Asked the merchant. तो merchant बोलता है कि क्या तुम्हें इसमें कोई doubt है? No, why should I? नहीं, मैं क्यों doubt करूँ? Said the farmer promptly. Now, the merchant was disappointed. अब merchant क्या होता है, वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, थोड़ा निराश हो जाता है। बट ही डिसाइडेड टू मेक अनोदर अटैम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज। लेकिन वो एक और बार जो है ट्राई करना चाहता है कि उसे 100 रुपीज चाहिए, तो वो एक ट्राई और करता है। ही कंटिन्यूड, वह अपनी स्टोरी को कंटिन्यूड करता है। अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन। वह बोलता है कि प्रिंसेस जो है वो अपने गार्डन में बैठी हुई है। एंड अ मेड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर, और जो मेड है वो उसके हेयर क्या कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है, बना रही है। द प्रिंसेस हैपन टू लुक अप द स्काई। तो जैसे ही प्रिंसेस ने स्काई में देखा, जस्ट देन द काइट आई स्पोक अबाउट, तभी वो काइट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वॉज फ्लाइंग इन द स्काई राइट अबोव हर हेड, क्या कर रही थी, उसके हेड के ऊपर जो है फ्लाई कर रही थी। द फर्स्ट कैमल गेव द बर्ड्स सच अ किक दैट इट लेट गो हिम एंड द ट्रेन ऑफ कैमल्स फेल राइट इन टू द प्रिंसेस लेफ्ट आईज। तो बोलते हैं कि जो फर्स्ट कैमल है उसे बर्ड मीन्स काइट, काइट को बर्ड ने किक मारी और वो काइट फट गई, और जो वो ट्रेन थी कैमल्स की वो क्या करी, प्रिंसेस की लेफ्ट हाइट में आई में वन बाय वन चली गई। पुअर गर्ल, तो बोलती बिचारी गर्ल, देर वर 101 एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन एंड देन। तब वो मर्चेंट बोलता है कि बिचारी लड़की, उसकी इसमें 101 एनिमल्स जो है उसकी लेफ्ट आइज में चले गए, तो उसे कितना दर्द हुआ होगा। फिर बोलता है एंड देन, फिर क्या हुआ, एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो वॉट टू से। उसके बाद मर्चेंट नहीं जानता है कि क्या क्या कहें। बट ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, लेकिन वो आखिरी अटैम्प्ट फिर करता है।
Then the princess started crying with the pain. With pain. तब प्रिंसेस जो है उसकी आँख में जो सारी पूरी चेन चली जाती है कैमल्स की, इसकी वजह से वो क्या करती है, रोना शुरू कर देती, चिल्लाना शुरू करती. हर मेड स्टॉप्ड कॉम्बिंग हर हेयर. उसकी जो मेड है वो उसे हेयर कॉम्बिंग करना बंद कर देती. शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आई लिड एंड रिमूव्ड ऑल द कैमल्स वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हर आई एंड पुट देम इन टू हर पॉकेट. वो बोलती है कि वो केयरफुली उसकी आइज को ऊपर करती है और उसकी आईलिड जो बॉल होती है हमारी बीच की, उसमें से वन बाय वन सभी कैमल को हटा के उसके पॉकेट में रख देती है. डेट वॉज अ गुड मेट सेट द फार्मर. एंड देन फिर बोलते हैं तो बहुत ही अच्छी मेट थी जिसने उस रानी की, उस प्रिंसेस की आइज में से सारे कैमल्स को बाहर निकाल के पॉकेट में डाल दिया. फिर क्या होता है, वो फार्मर फिर पूछता है. द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर. वह मर्चेंट व्यापारी तो और कुछ सोच ही नहीं पाता है. सो ही सेड, तो वह कहता है, दिस इज ऑल एंड इज द एंड ऑफ माई स्टोरी. यह सब था और अब यहाँ जो है मेरी स्टोरी का एंड है. नाउ इट इज योर टर्न. अब यहाँ पर तुम्हारा टर्न है. इसके आगे से थोड़ा और हिलाना. सो स्टूडेंट, हियर मर्चेंट टोल्ड हिज स्टोरी बट द फार्मर डिंट डाउट एनी कास्ट. उसे कोई डाउट नहीं हुआ, उसने कोई डाउट कास्ट नहीं किया. तो यहाँ पर फार्मर को 100 रुपीज़ उसे पे नहीं करने पड़े. वी विल डिस्कस पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर इन लेसन 4.